नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद् गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद् गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवद् गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। भगवद् गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता सार और इसका संपूर्ण ज्ञान आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया गया था। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटकर युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान देते हैं। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम भगवद गीता के 18 अध्यायों के साथ 100 श्लोकों के सार के बारे में बहुत ही आसान भाषा में चर्चा करेंगे। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता के सार को पूरा अंत तक सुने और गीता के इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता प्राप्त कर सके। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जिस तरीके से समझना चाहो वह आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। आज के समय में जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर पर्सनल प्रोफेशनल जैसी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा वंश वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता ना मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें।
जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। सस्ता कूलर आज ठंडा करेगा। प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। ये आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस यह करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा प्रत्येक श्लोक आपको कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला सोचो। आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
कृष्ण कहते हैं जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बढ़ेड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं, मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं।
जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का क्षणय क्षणय शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाए वहां मन जाए और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है। जो जिंदा है मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है।
स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने नम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है मुरली वाला इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं।
जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं।
गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खूंट का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता के अनुसार हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आंकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है।
और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसीलिए मन को शांत रखने के लिए हर संभव प्रयास करें स्वार्थी होने से बचे। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है कि जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियां पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना पड़ेगा। संदेह का त्याग करें। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसीलिए संदेह का त्याग करें। जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। हमने एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण कर रखा है कि सुख की स्थिति आने पर हम खुशी से उछल जाते हैं और दुख की स्थिति में मानो मुरझा जाते हैं, जबकि हमें हर स्थिति में एक सा रहना चाहिए। इसीलिए हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। विश्वास का निर्माण, भगवद गीता सार। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए विश्वास निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन जीने की कला क्या है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है, इसलिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। मृत्यु से ना डरे। मृत्यु तो सिर्फ आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यह है कि जो इंसान इस धरती पर आता है वह कभी ना कभी धरती की मिट्टी में समा जाता है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। संसार के हर कण में मैं विद्यमान हूँ। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और बुरे कर्मों के साथ भी। इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होता है। जिससे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनता आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जब भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको ताकत मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें अर्जुन को ही नहीं कही, बल्कि अर्जुन के माध्यम से इस समस्त संसार को ज्ञान दिया। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार कर अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है।
लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है, जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है, तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है।
इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करें, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करें, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और को का काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है, और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है, वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है, जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता है एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, या किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है।
जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है, जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।